हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुन एपिसोड 3 के बारे में, जो आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमने जैसा आपसे पहले भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग गर्ल डूबोंग सुन जो डूबोंग से है उसका सीक्वल हो सकता है, लेकिन उसका सीक्वल तो नहीं, लेकिन इसमें कैमियो जरूर हुआ है। जो कैमियो रोल देख के आपको बड़ा मजा आएगा, आप सिर्फ छोटा सा रोल देख के आपको लगेगा कि यार वाओ, अगर इतना मजा आ रहा है तो अगर वो पूरी की पूरी सीरीज देखोगे या पूरा का पूरा ड्रामा देखोगे तो कितना मजा आएगा। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुन और स्ट्रॉन्ग गर्ल डूबोंग सुन ये दोनों ही कजन्स हैं, और वो डूबोंग में है और ये गंगनम में है। तो इसी तरीके से सियोल और बाकी जगहों पर भी इनके रिलेटिव्स या कजन्स होंगे। तो इस हिसाब से इसकी एक मल्टीवर्स जैसी पूरी की पूरी एक फैंटेसी टीम हो सकती है। एपिसोड 3 में डूबोंग सुन का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिला, लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये ड्रामा एंड होते होते डूबोंग सुन दोबारा से कैमियो करके किसी एपिसोड में नजर आएंगी या नहीं। क्या वो नामसून को बचाने के लिए आएगी या फिर नामसून अकेली ही काफ़ी है सब कुछ करने के लिए। हालांकि नामसून एपिसोड 3 में अपनी माँ से मिल लेती है, बाकी की कहानी तो एपिसोड 4 में है, जो आपको देखने पे पता चलेगा। एक्चुअली एपिसोड 3 मेरे लिए स्पेशल जगह रखता है, क्योंकि इसमें डूबोंग सुन भी आई है और साथ में कई सारे ऐसे सीन्स भी हैं जो जस्ट वाव हैं। इस टाइप के सुपर नेचुरल पावर वाले ड्रामा देखने का मजा ही अलग है। अगर आपको भी इस टाइप के ड्रामा पसंद है तो एक बार लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।